अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। यानी हम लोगों ने हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो। तो देखना ये है कि ये पॉसिबल कब होता है। देखें, हमारे पास जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा उसका सबसे पहले हम लोगों ने लेना है डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं आ जाता तो उसका जो है ए इनवर्स पॉसिबल है, यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग ले सकते हैं। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, जबकि नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। ए जो है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको डिनोटेड करते हैं ए माइनस वन से। यानी ये जो है ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल है। ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए के। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए इनवर्स करने के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट होना चाहिए फाइंड। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जी, ए डिटर्मिनेंट के लिए आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, सेंटर में साइन क्या आएगा माइनस का, और टू मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से। ये आ गया जी ज़ीरो माइनस वन मल्टीप्लाई ज़ीरो और माइनस थ्री टू सिक्स। यानी आंसर हमारे पास आ गया है माइनस सिक्स। इसका जो ये जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए जो है इसका इन्वर्स लिया जा सकता है। तो अब हम लोग करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें एडजॉइंट ए में क्या करना होता है, एक जो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था माइनस वन टू थ्री और ज़ीरो, इसमें हमारे पास देखें एक डायगोनल जो है वो ये है माइनस वन और ज़ीरो, इन दोनों की हम लोगों ने जगह चेंज करनी है ए इनवर्स में। तो हमारे पास ज़ीरो यहाँ आ जाएगा और माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, जबकि जो दूसरा डायगोनल है उसका क्या करना है, साइन चेंज करनी है। तो टू और थ्री दोनों पॉजिटिव के साथ हैं, दोनों नेगेटिव के साथ आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया है, माइनस सिक्स। तो हम लोग इसके नीचे क्या कर लेंगे, माइनस सिक्स कर लेंगे। अब जो है माइनस सिक्स इन सबको डिवाइड कर रहा है, तो माइनस सिक्स से हम लोग सबको डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा ज़ीरो ओवर माइनस सिक्स, माइनस थ्री ओवर माइनस सिक्स, माइनस टू ओवर माइनस सिक्स और माइनस वन ओवर माइनस सिक्स। अब देखें कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर जो है, ज़ीरो को जिसके साथ भी डिवाइड करो ज़ीरो, माइनस माइनस से कट गया थ्री वन थ्री थ्री टू सिक्स, माइनस माइनस से कट गया टू वन टू टू थ्री सिक्स, माइनस माइनस से कट गया वन ओवर सिक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, ए इनवर्स का। अब हम लोग करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट जो है वो हमारे पास है, b इक्वल है हमारे पास जनाब वन टू माइनस थ्री और माइनस फाइव के। b इनवर्स भी होगा एडजॉइंट b ओवर डिटर्मिनेंट b के। b इनवर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा अब एडजॉइंट b ओवर डिटर्मिनेंट b के। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे b का डिटर्मिनेंट लेंगे। b डिटर्मिनेंट जो है वन माइनस थ्री टू माइनस फाइव, जी मल्टीप्लाई होगा वन मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस फाइव से, माइनस माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा टू से। ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, फाइव वन फाइव, माइनस माइनस प्लस हो गया थ्री टू सिक्स, फाइव में से सिक्स में से फाइव माइनस हो गया तो ये आ गया जी वन के इक्वल। अब हमारे पास जी बी डिटर्मिनेंट आ गया है, अब हम लोगों ने क्या करना है, बी इनवर्स लेना है। बी इनवर्स इक्वल आता है एडजॉइंट बी ओवर
डिटर्मिनेंट बी के इक्वल, यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट बी करते हैं। एडजॉइंट बी में क्या करेंगे, 1 और -5 दोनों की जगह चेंज करनी है और 2 और -3 के साइन, तो 2 पॉजिटिव है माइनस का हो जाएगा और 3 नेगेटिव है ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से सबको डिवाइड करने से आंसर यही आएगा, लिहाजा बी इनवर्स हमारे पास आ गया है -5, -2, -3 और 1। नेक्स्ट हमारे पास सी जो है -2, -3, -6 और -9 के इक्वल है। अब हम लोगों ने सी इनवर्स फाइंड करना है, तो सी इनवर्स क्या था, सी एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट आएगा, तो सबसे पहले हम लोग सी का क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -2, -3, -6, -9 डिटर्मिनेंट देखें इसका क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -9 से, -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो -- क्या हो गया प्लस, 2, 9, 18 ये माइनस आएगा, 6, 3, 18 आंसर क्या आ गया, 0। अब देखिए जो 0 के इक्वल है वो क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए और वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाता है उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट हम लोग क्वेश्चन इसका करते हैं पार्ट डी। डी हमारे पास है 1/2, 3/4, 1/2, तो सबसे पहले क्या लेंगे, डी का डिटर्मिनेंट 1/2, 1/3/4, 2। जी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 से। देखें 2 और 2 कट गए, क्या आ गया 1, माइनस ये क्या आ जाएगा 3/4। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 4 इसके नीचे 1 है तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, इसके नीचे 4 ही है तो 3, लिहाजा इसका आंसर क्या आ गया 4 -3, 1/4। ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, डी इनवर्स, डी इनवर्स जो है वो होता है एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी के। तो एडजॉइंट डी में क्या करेंगे, एक डायगोनल की जो है वो जगह चेंज होगी, कौन कौन सा है, 1/2 और 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, जबकि दूसरा जो डायगोनल है उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो ये -3/4 हो जाएगा और ये -1 क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, डिवाइडेड बाय किससे होगा, 1/4 से। अब देखें ये भी डिवाइड है, डिवाइड के नीचे 1/4 है, यानी 4 जो है डिवाइड के साथ 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग इसको आगे कर लेते हैं। देखें 4 इधर आकर ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 -1, -3/4 और 1/2। अब जो 4 है वो सबके साथ हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर चेक करते हैं क्या आएगा, 4 × 2, 4 × -1, 4 × -3/4 और 4 × 1/2। लिहाजा कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4 × 2, 8, 4 × 1 -4, यहाँ पर 4 4 से कट गया सिर्फ -3 आएगा, और यहाँ पर 2 2 से 4 से कट गया 2 2 4। ये हमारे पास आंसर था डी इनवर्स का।